हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गीता खुमान। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी चॉकलेट से बनने वाली, जो सबको पसंद आएगी, वो बनाने वाली हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए बहुत ही यम्मी दिखने वाली चॉकलेट, सबको अच्छी लगती है ऐसी अमूल की चॉकलेट लेंगे हम। और दूसरे इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये है। तो ऐसी बहुत सारी डिशेस है जो चॉकलेट जिसमें ऐड होती है, वो रेसिपी कुछ अलग ही बन जाती है। और अभी गुजरात में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि गुजरात में फेस्टिवल तो आते ही रहते। तो अभी नेक्स्ट होली आएगी, रंगों का त्योहार आएगा, और उसमें भी सबको ये गिफ्ट है। आप कोई डिनर या फेस्टिवल की जो होली खेल रहे हैं, उसमें आप कुछ भी खा लें, एनर्जेटिक हमें चाहिए, तो हम वो चॉकलेट्स बना के रख सकते हैं और बीच बीच में हम एनर्जी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेट्स, शीट्स मैंने निकाल के ऐसे रख दिए हैं। और शाइनिंग के लिए हमें चाहिए अमूल बटर। दूसरा मैंने लिया है पीनट बटर, जो क्रंची फ्लेवर का है। आप कोई भी अलग अलग फ्लेवर में जो बटर आते हैं वो ले सकते हैं। फिर दूसरा ये स्प्रिंकल्स है, आप चॉकलेट में यूज करेंगे। और सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट हमारा ये चॉकलेट, ओपन कर लेते हैं हम। चॉकलेट के पीसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम सिर्फ कट करेंगे। जब भी हम चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो थोड़ी देर, जब भी हमें कट करना है, मेल्ट करनी है चॉकलेट, तो हम उसे फ्रीज से बाहर ले लेंगे। फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाने के बाद अब आराम से ऐसे ग्रेट कर सकते हैं। अभी इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे। दस या पंद्रह मिनट के लिए मैं इसे माइक्रोवेव में रख देती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल सा डबल बॉयलर का मेथड यूज करके छोटा सा एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी उबालेंगे। थोड़ा उबाल आने के बाद हम उस पर एक थिक लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो ऐसा बर्तन रख देंगे। स्टील का है तो भी चलेगा, एल्यूमिनियम का नहीं चाहिए।
और बस थोड़ी देर मेल्ट हो जाने के बाद वो हमारी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाएगी और फिर बाद में हम चॉकलेट प्रिपेयर करेंगे। तो अभी ये चॉकलेट जा रहा है माइक्रोवेव, ठीक है। तब तक मैंने जो डेट्स आपको बताए उसमें मैंने शीट्स निकाल दिए और पीनट बटर का एक कॉर्न प्रिपेयर करके रखा है। अभी सिंपल सी प्रोसेस हम पहले कर लेंगे। ये क्रंची पीनट बटर है तो उसमें फ्लेवर तो है ही, थोड़ा सा स्टफिंग जैसे हम फिल करेंगे और उसे ऐसे सील कर देंगे। डेट्स में भी आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ब्लैक वाली डेट्स भी बहुत बढ़िया हेल्दी रहेगी और छोटी बड़ी भी आप कर सकते हैं। इसे सील कर देंगे। बटर है, पीनट बटर है, थोड़ी देर फ्रीज में जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, स्टिक हो जाएगा। सेम वे ऐसे आप जितनी भी चाहो डेट्स शीट्स निकाल के पीनट बटर पील करके आप ऐसे 10 से 15 मिनट तक फ्रीज में रख दीजिए। थोड़ा सा पीनट बटर हार्ड होगा और स्टिक हो जाएगा, फिर बाद में हम ज्यादातर हमें ज्यादा बना के रखनी है जब भी हमें चॉकलेट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि कितनी चॉकलेट मेल्ट करनी है, कंसिस्टेंसी कैसी रखनी चाहिए, शाइनिंग के लिए क्या करना है, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप माइक्रोवेव ही करें, या फिर ज़्यादा आप बना रहे हो तो पूरा ये चॉकलेट, अभी मैंने आधा लिया, अगर पूरा चॉकलेट आप ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीका। तो फिर ज़्यादा हम कर रहे हैं तो डबल बॉयलर का मैं सजेस्ट करती हूँ कि डबल बॉयलर में जब भी आप करो तब सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन लिया है उससे एरिया जो स्टीम वाला एरिया है वो आधा होना चाहिए, तो आराम से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और फिर 2-3 मिनट तो इनफ है, वैसे भी जो बर्तन रखा है वो भी गर्म है और नीचे स्टीम तो चलती रहती है, तो अगर ज़्यादा स्टीम हुई और ज़्यादा देर आपने चॉकलेट को मेल्ट किया तो चॉकलेट जल जाएगी और उसका टेस्ट बिटर हो सकता है। लेकिन सही तरीके से हम जा रहे हैं तो सिर्फ इतने 2-3 मिनट में हो जाता है। तो अभी चॉकलेट माइक्रोवेव में गई है, तब तक आपको चॉकलेट के अलावा कुछ भी मुझे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमें खजूर डेट्स घर में भी पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं है, एजेड को भी पसंद नहीं है, और जैसे मैं हूँ तो काम करते वक्त अगर आप ये रेसिपी बनाकर स्टोर करके रख दो, ऐसी चॉकलेट्स बना के रख दो, तो आप बीच बीच में एनर्जी ले सकते हो। वैसे भी
डेट्स ज्यादातर नहीं खाई जाती, उसी उसकी रेसिपी हो और अमूल चॉकलेट के साथ हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जरूर आप बनाना, एक बार ट्राई जरूर करना। ये मैंने मोका फ्लेवर लिया है, इसमें भी और फ्लेवर आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। आप दो फ्लेवर मैच करके भी आधा आधा मेल्ट कर सकते हो, या फिर एक अभी हम ये मोका फ्लेवर ले रहे हैं तो आप डार्क या लाइट और उसके साथ मोका ले रहे हो तो आप डबल कोटिंग, अभी मैंने जो माइक्रोवेव के लिए रखा चॉकलेट को, वैसे आप दो फ्लेवर का चॉकलेट माइक्रोवेव कर लीजिए दो अलग अलग बाउल में। और जब भी हम ये लेंगे, ये डेट जो हमने रखा है वो लेंगे, उसे डीप करेंगे, फिर थोड़ी देर उसे रहने देंगे, फिर 10 मिनट के लिए वो फ्रीज में जाएगा और फिर बाद में हम उसे अपर लेयर और एक चॉकलेट का दे सकते हैं। तो भी आप दो फ्लेवर और पीनट बटर का फ्लेवर और उसमें डेट का फ्लेवर मैच करके बहुत ही अच्छा बढ़िया टेस्ट बना सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कॉफ़ी वाली टेस्ट आएगी तो चॉकलेट बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा ये चॉकलेट बनाती हूँ, आप चौकस आप बना आप ट्राई करना सर। अभी इसमें स्प्रिंकल करने के लिए 2-3 स्प्रिंकल्स भी हैं और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, वो भी चॉकलेट के साथ बहुत ही अच्छा बैठता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर इसके अलावा आप फ्रेश कोकोनट यूज़ करना चाहते हो और चॉकलेट्स के साथ चाहिए तो फ्रेश कोकोनट आप ले सकते हो, उसको ग्रेट करके थोड़ी बहुत उसे रोस्ट करना है, जो उसका मॉइस्चर है वो चला जाएगा और रोस्ट होने के बाद भी एक फ्लेवर देगा, फिर बाद में आप चॉकलेट में यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि चॉकलेट आपकी हार्ड होगी और आप जो स्टोर करके रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारी ये चॉकलेट बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट होके आ गई है। और बहुत ही अच्छी फ्लेवर देती है अभी आप देख सकते हो। बहुत ही स्मूथली हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी जो हमने डेट्स रेडी किए हैं उसे हम डीप करेंगे।
मैंने पहले बटर पेपर ऐसे रख दिया। और डीप इसमें डीप करेंगे, पूरा अच्छे से कोट हो जाए, फिर बाद में ठीक ऐसे दूसरी जो हमने पेपर की है वो कर लेंगे। जब भी हम चॉकलेट बना रहे हैं तो ज्यादा हमें हमारी उंगलियों का यूज नहीं करना है, उससे चॉकलेट चिपकेगी और सही तरीके से जो भी हम डीप कर रहे हैं उसमें नहीं हो पाएगा और उसमें इम्प्रेशन आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, हमें यही वाली इम्प्रेशन चाहिए। तो ज्यादातर हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, मुझे तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और खाने का मन भी हो रहा है, आपको भी ज़रूर हो रहा होगा, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। डेट्स को चॉकलेट्स के साथ खाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अभी जब भी हमने ऐसे प्रिपेयर किया तभी हम उसके ऊपर फ्लेवर देंगे। अभी मैं ये गोल्डन वाली बॉल्स डाल रही हूँ। अरे पिंक कलर की वर्मा सिली है वो डाल रही है। उसके ऊपर अभी जो हमने फ्लेवर बोला था कि हम कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट की फ्लेवर भी दे सकते हैं, थोड़ी चॉकलेट दिखने में भी रिच लग रही है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्प्रिंकल्स आप करवा सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जब भी आप लेंगे तो फिर उसे थोड़ा बहुत रोस्ट कर लेंगे थोड़ी फ्लेवर और देने के लिए। और आप चॉकलेट पीनट बटर में भी आप फ्लेवर दे सकते हो, उसमें भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो क्योंकि क्रंची पीनट बटर है तो उसमें एक क्रंच तो है ही। उससे उसके अलावा हमें बच्चों के लिए और हमारे के लिए हमें जो खानी है उसके लिए कुछ भी हम बना रहे हैं तो थोड़ी छोटी बाइट में हमें ज्यादा फ्लेवर और उसे हेल्दी कैसे बनाए वो सीखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और बहुत सारे जितने भी आपको करने हैं वो डेट्स प्रिपेयर करके हम 4-5 घंटे के लिए, वैसे तो 2 घंटे में हो जाएगा,
लेकिन थोड़ा चॉकलेट को बनाने के बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, डायरेक्ट हमें फ्रीज में नहीं जाने देना है। तो ऐसे चॉकलेट मैंने प्रिपेयर करके रखी है, अभी ये चॉकलेट जा रही है फ्रीज में। ठीक है, अभी जो हमने चॉकलेट बनाई वो मैंने सुबह बना के रख दी थी फ्रीज में, तो ऐसे प्रिपेयर होगी। अभी इसे हम रैप करके गिफ्ट रैप करके गिफ्ट भी कर सकते हैं ना, तो कर लेते हैं अभी। अभी मैंने ये चॉकलेट रैपर ले लिया है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे अलग अलग कलर इम्प्रेशन वाले रेडी मिलते ही हैं। आप जैसी चाहे वैसी चॉकलेट रिपेयर करके इसे रैप करके। और एक टिप्स कि अगर जब भी हम चॉकलेट बनाते हैं, ये तो हमने डेट्स के साथ बनाई, अगर आप कुछ बॉल्स बना के डिप करके रखते हैं तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें हमारी उंगलियों टच ना हो, इसलिए आप ग्लोव्स भी पहन सकते हैं। चॉकलेट के साथ ज्यादातर ऐसे ही काम होता है। तो अभी चॉकलेट बाइट्स लिया हमने, अलग अलग तरीके से चॉकलेट रैप करके रख सकते हैं। थोड़ा सा होने के बाद ये स्टिक हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया चॉकलेट हमें खाने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी कई तरीकों से आप चॉकलेट्स रैप कर सकते हो।
बहुत ही बढ़िया। अभी तो मार्केट में मटेरियल भी मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी एक रिबन बैंड, बहुत सारा अट्रैक्टिव मटेरियल मार्केट में है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए बहुत ही अच्छी बढ़िया रेसिपी, वो जो अमूल से बनती हो। और ऐसी बहुत सारी रेसिपी आप बना सकते हो अमूल चॉकलेट के साथ ही नहीं, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, कि जो हमें हमारा काम, हमेशा बोलती हूँ कि हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है अमूल प्रोडक्ट, राइट। तो अभी होली के लिए हमारी स्पेशल चॉकलेट रेडी है। और एक टिप्स कि अगर आप 15 दिन या 20 दिन के लिए चॉकलेट स्टोर करना चाहते हो, तो जो अभी मैंने रैप किया उसे, इसको आप दो बार कर लीजिए। जैसे कि ये चॉकलेट रैप किया तो उसमें हमें एल्यूमिनियम फॉइल भी चाहिए, एक बटर पेपर चाहिए। अभी ये मैं करके दिखाती हूँ। तो ये बटर पेपर लिया, उसे मैंने पहले रैप कर दिया, और उसके बाद फिर से जो चॉकलेट का रैपर था वो मैंने यूज किया। इससे क्या होगा कि चॉकलेट हमेशा एटमोसफियर देखती है कि कौन सा एटमोसफियर में चॉकलेट बनी और किसकी, कौन सा एटमोसफियर में हम उसे पैक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत ही बढ़िया चॉकलेट स्टोर भी कर रहे हो, क्योंकि चॉकलेट्स में हमेशा, चॉकलेट्स बनाना हम जानते हैं, उसे खाना हम जानते हैं, उसे स्टोर करना जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी टिप्स जो हमें, हम नहीं जानते और उससे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप बहुत सारी, इतनी मेहनत करके आप चॉकलेट बना रहे हो और जब भी वो चॉकलेट खाने के लिए मुंह में जाए तो वो क्रंचीनेस ना हो, वो फ्लेवर ना हो, जो मोका फ्लेवर वाली चॉकलेट हमने यूज़ की है। अगर ये चॉकलेट आपने मेरे टाइम के हिसाब से ज़्यादा गर्म कर ली तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है और चॉकलेट वो टेस्ट नहीं देगी। तो बहुत ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताई है और आप ज़रूर बनाना, ठीक है। तो अभी हमारा होली स्पेशल चॉकलेट बॉक्स रेडी है। जिसको भी बनाना है, जिसको भी खाना है, वो मेरे घर आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी पैक हो गया और होली के लिए रेडी हो गया। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके देख भेज सकते हो, और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए कौन सी लेके आऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।